आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। हरियाणा सरकार ने कपास पराई के काम में जुटे व्यापारियों को तोहफा दिया है। अब ये काम करने वाले व्यापारी यानी बिनौला ऑयल मिल्स के संचालक एक मुक्त टैक्स अदा करके पराई का लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय व्यापार मंडल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ एवं मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक टीएल सत्य प्रकाश सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब कपास के बीज की पराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट एक्पलर पर 42,000 रुपये का एक मुक्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए व्यापारी प्रत्येक वित्त वर्ष में ये टैक्स देंगे। ये निर्णय 3 साल के लिए लागू होगा। इसके बाद टैक्स की दोबारा समीक्षा की जाएगी, यानी 3 साल बाद इसे बढ़ाने या घटाने पर विचार हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से लाकर पेराई करने वाली कपास यूनिट को L1 फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। अब इस निर्णय से L1 फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। वहीं कपास के बीज को बिनौला कहते हैं। इस प्रकार बिनौला ऑयल मिल्स की प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्रति एक्पलर यूनिट सरकार को 42,000 रुपये का राजस्व मिलेगा। प्रदेश में लगभग 453 क्रशिंग यूनिट है, 1520 एक्पलर यूनिट है। हरियाणा प्रमुख कॉटन उत्पादक सूबों में शामिल है, इसलिए यहां पर बिनौला ऑयल मिल्स भी बड़े पैमाने पर लगाई गई है। अब सरकार ने इनसे राजस्व एकमात्र करने की रणनीति बनाई है। फिलहाल इस निर्णय पर भारतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। बैठक में भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार तायल, चेयरमैन विकास अग्रवाल एवं उप प्रधान राजेश चौधरी, राजेश बंसल, सुभाष बंसल एवं गजानंद सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खाद्य तेल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट शंकर ठक्कर का कहना है कि बिनौला के तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन और खपत गुजरात में है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में, MP में भी उत्पादन होता है। इस समय 10 किलो बिनौला के तेल का दाम 1580 से 1600 रुपये के बीच है। अभी कॉटन का रिकॉर्ड भाव चल रहा है, इसलिए बिनौला के तेल का दाम सरसों और पाम ऑयल से ज़्यादा है। जहाँ जहाँ पर कॉटन का उत्पादन ज़्यादा है, वहाँ वहाँ इसके तेल का भी खूब उत्पादन होता है। इसके लिए व्यापारियों ने क्रशिंग यूनिट लगाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।